आज की इस वीडियो में जानेंगे सीएससी के थ्रू आईटीआर फाइल किस तरीके से करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको लाइव एक आईटीआर फाइल करके दिखाने वाला हूं। बिल्कुल आपको डिटेल में बताऊंगा किस तरीके से यहां पर आईटीआर को फाइल करते हैं, कितना जो है फीस कटता है और कितना कमीशन मिलता है, और जैसे ही आप फीस को कट कर देते हो तो आगे का प्रोसेस कैसे होगा। तो मैं आपको लाइव कम्प्लीटली यहाँ पर आपको कम्प्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूँ आईटीआर फाइल करने का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने डिजिटल सेवा पोर्टल को लॉगिन कर लेना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है टैक्स TAX। जैसे ही हम यहाँ पर सर्च कर दोगे टैक्स तो आपके सामने कुछ इस तरीके से आएगा। उसके बाद आपको इसको थोड़ा नीचे को स्क्रॉल करना है, ठीक है। आप जैसे ही स्क्रॉल करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर एक पोर्टल आ जाएगा टैक्स टूबिन के नाम से। सबसे पहले आप टैक्स लिख के सर्च करोगे कुछ इस तरीके से आएगा। उसको नीचे को स्क्रॉल करोगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग, ठीक है। यहाँ पर टैक्स टू बिन आपको यहाँ पर ये लिखा होगा इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग टैक्स टू बिन, आपको इस पर क्लिक हेयर करना है और आप इसको यहाँ से फेवरेट में भी ऐड कर सकते हैं। तो ये जो आपकी सर्विस है ये फेवरेट में भी ऐड हो जाएगी। क्लिक हेयर करेंगे कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपके सामने जो है एक न्यू पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं टैक्स टू बिन का ये पोर्टल है और यहाँ से आपसे कहेगा सीएससी यूजर लॉगिन विद डिटेल सेवा कनेक्ट, आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करते हो कुछ इस तरीके से आपके सामने आएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर अपने सीएससी आईडी एंड पासवर्ड को लगा के यहाँ पर साइनिंग करना है। तो हम इसको साइनिंग कर लेते हैं। कुछ इस तरीके से आपके सामने जो है पोर्टल लॉगिन हो जाएगा और उसके बाद आपके सामने यहाँ पर दिखाएगा फाइल BLE ITR 99 रुपये। आप यहाँ पर 99 रुपये में BLE का ITR फाइल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे को स्क्रॉल करें तो आपको यहाँ पर ऑफ़र देखने को मिलेगा। ऑफ़र ये सीमित समय के लिए ही है। यहाँ पर देख सकते हैं अगर आप 6 ITR फाइल करते हो तो आपको एक पेन ड्राइव मिलेगा, अगर 3 ITR फाइल करते हो तो आपको अमेजोन वाउचर मिलेगा। तो यहाँ पर सारा कुछ प्रोसेस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 12 ITR फाइल करने पर आपको एक ईयरफोन मिलेगा और यहाँ पर आप 1000 ITR फाइल करते हो CSC के थ्रू तो आपको एक ब्लेट बैग मिलेगा। तो आप इन डिटेल देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पर ये 150 ITR फाइल करने पर रेडमी का ये मोबाइल है, कौन सा मोबाइल है, सारा कुछ प्रोसेस आप देख सकते हो। जिसका भी आप ITR फाइल कर रहे हैं उसके लिए सबसे पहले आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर फिल करनी पड़ती है। थोड़ा नीचे को स्क्रॉल करोगे तो आपको सबसे पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन में आ जाना है और यहाँ पर आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। जैसे कि सबसे पहले आपको जिसका भी आप ITR फाइल कर रहे हैं उसका पैन कार्ड का नंबर यहाँ पर लिखना है, ठीक है। और उसके बाद आपको उसका आधार कार्ड नंबर लिखना है। आधार कार्ड नंबर लिखने के बाद उसके बाद आपको यहाँ पर उसकी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। आप उसके पैन कार्ड में देख कर यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ लिख दें। उसके बाद आपको यहाँ पर उसके फादर्स का नाम डाल देना है, ठीक है। फादर्स नेम डालने के बाद उसके बाद आपको यहाँ पर फर्स्ट नेम डालना होगा। आप उसके आधार कार्ड पर देखकर यहाँ पर फर्स्ट नेम डाल सकते हैं। फर्स्ट नेम डालने के बाद आपको जो है लास्ट नेम डाल देना है। फर्स्ट नेम और यहाँ पर ऑप्शन है लास्ट नेम, आपको लास्ट नेम भी डाल देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर एक मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद आप ईमेल आईडी डाल सकते हैं और यहाँ पर है इनकम टैक्स पासवर्ड। अगर आप ई फिलिंग वाली वेबसाइट पर अगर आपने कोई भी पासवर्ड क्रिएट किया है तो आप यहाँ पर डाल देंगे, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ देंगे, भूल गए हैं तो। उसके बाद आप यहाँ पर यूजर टाइप सेलेक्ट करेंगे। अगर आप BLE हैं तो BLE करेंगे, अगर आप किसी नागरिक का कर रहे हैं सिटीजन या यूजर का तो आप वो सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद सारी इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद आपको आ जाना है एड्रेस पर। तो हम इन सारी डिटेल्स फिल कर लेते हैं। एड्रेस में सबसे पहले आपको अपने क्षेत्र का पिन कोड भरना है और उसके बाद आपको एड्रेस फर्स्ट में, जैसे कि यहाँ पर एड्रेस 1 है, एड्रेस 1 में आपको अपने गांव या फिर आपको अपने कस्बे वगैरह का नाम डाल देना है। आपको एड्रेस की फर्स्ट लाइन डाल देनी है। उसके बाद आपको एड्रेस की सेकेंड लाइन डालनी है। यहाँ पर डालने के बाद आपको सबसे नीचे आ जाना है डिटेल्स ऑफ बैंक, डिटेल्स ऑफ ऑल बैंक अकाउंट। आपको यहाँ पर क्या करना है, अपने बैंक अकाउंट का IFSC कोड डाल देना है और उसके बाद आपको बैंक अकाउंट नंबर डालना है। तो हम यहाँ पर फटाफट से IFSC कोड एंड बैंक अकाउंट नंबर डाल लेते हैं और उसके बाद से मेन
मेन बैंक अकाउंट पर क्लिक कर लेंगे। अगर आपकी कोई और बैंक है तो आप ऐड मोर बैंक्स पर क्लिक करके यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप आपकी उनमें से जो भी मेन बैंक है आपको मेन बैंक अकाउंट पर क्लिक कर लेना है। तो अभी हम इस सारी इन्फॉर्मेशन को भर लेते हैं। उसके बाद आपको मेन इनकम सोर्सेज ऑफ क्लाइंट, ठीक है, आपको इसमें आ जाना है। और उसके बाद आपको इनकम का सोर्स लिख देना है, जैसे कि सैलरी इनकम, सैलरी इनकम है आपकी तो आप यस नो यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर नो सिलेक्ट कर लिया। अदर इनकम्स आपको यहाँ पर यस नो सिलेक्ट कर लेना है, जैसे कि हमने यहाँ पर यस सिलेक्ट कर लिया। बिजनेस इनकम का टर्न ओवर शुड बी लेस देन 1 करोड़, आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है लेस देन 20 लाख से कम है या फिर मोर देन 20 लाख से ज़्यादा का टर्न ओवर है या फिर नहीं, नो पर भी आप क्लिक कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन आएगा इजी और एनुअल इनकम मोर देन 2.5 लाख, क्या आपकी सालाना आय 2.5 लाख से ज़्यादा है? अगर है तो आप यहाँ पर यस पर क्लिक करेंगे, अगर नहीं है तो आप यहाँ पर नहीं कर देंगे। अगर आपको पता नहीं है कि आपकी जो सालाना इनकम है वो कितनी है तो आप यहाँ पर नॉट श्योर कर सकते हैं, पता नहीं, तो हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। आपको यहाँ पर अपने हिसाब से सिलेक्ट करना है। यहाँ पर हमने यस कर लिया। उसके बाद हम नीचे को स्क्रॉल करेंगे, ठीक है, और उसके बाद आपको जो है इसको नीचे को स्क्रॉल करना है। और उसके बाद यहाँ पर पैन कार्ड कंपलसरी है, आपको यहाँ पर अपने पैन कार्ड को जो फर्स्ट पेज है जो फ्रंट साइड है उसको अपलोड करना है। स्कैन कॉपी होनी चाहिए पैन कार्ड की, कलर, ठीक है, PDF, JPG, PNG आप इसमें किसी भी फॉर्मेट में अटैच कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर अपने पैन कार्ड को सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर जो अटैच कर देते हैं। यहाँ पर पैन कार्ड अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपके सामने आएगा, पैन कार्ड JPG इस तरीके से लिखा हुआ आ सकता है, जो भी आप पैन कार्ड का नाम लिखेंगे और वेरीफाइड का टिक आएगा। इसके अंदर होल्डिंग अदर डॉक्यूमेंट LIC मेडिकल इंश्योरेंस NSE PPPF और उसके बाद फॉर्म 16 है ड्यूक्शन प्रूफ ETC, आपके पास इनमें से कोई प्रूफ है तो आप यहाँ पर अपलोड कर देंगे, अगर नहीं है तो आपके पास यहाँ पर ये बता रहा है नॉट कंपलसरी, ये कंपलसरी नहीं है, अगर आप है तो यहाँ पर ऐड कर दें, नहीं तो आप इसको ऐसे ही छोड़ दें। उसके बाद आपको नीचे को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर क्या करना है कि आपको देख लेना है सिलेक्ट प्लान। अगर आप BLE के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको BLE के लिए प्लान सेलेक्ट कर लेना है, जैसे कि हमने 99 रुपये वाली स्कीम सेलेक्ट कर ली है। और उसके बाद आपको यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करना है, तो हम यहाँ से सबमिट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको आगे का ऑप्शन मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, यहाँ पर आपको सबसे पहले एक्सेप्ट करना होगा, आपको सारी टर्म्स को एक्सेप्ट करने के बाद ही सबमिट करना है। और जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर है फी अमाउंट 99 रुपये, उसको आपको ओके करना होगा। कुछ इस तरीके से रिडायरेक्टिंग होगा। इस तरीके से रिडायरेक्ट होने के बाद यहाँ पर आपके सामने पेमेंट जो पेज है वो आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 99 रुपये सेल अमाउंट होता है, वॉलेट से 61 रुपये 38 पैसे कटेंगे, तो आप 99 रुपये में से 61 रुपये 38 पैसे कटा सकते हैं, तो आपको पता पड़ जाएगा कि आपको उसमें कितना कमीशन मिलता है। पासवर्ड डाल के हम यहाँ पर वैलिडेट करते हैं और वैलिड पिन डाल के यहाँ पर इसको पे पर क्लिक कर देते हैं। पे करने के बाद से कुछ इस तरीके से आपके सामने आएगा, तो अभी हम यहाँ पर इसको पेमेंट यहाँ पर सक्सेस हो जाने देते हैं। जैसे ही हमारा पेमेंट सक्सेस होगा इस तरीके से आपके सामने आ जाएगा थैंक यू, कुछ इस तरीके से लिखा आएगा ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली डन, ट्रांजेक्शन डेट 1 सितंबर, और यहाँ पर आपके सामने ट्रांजेक्शन नंबर, CSE ट्रांजेक्शन नंबर, अमाउंट और यहाँ पर स्टेटस वगैरह सक्सेस सारा कुछ प्रोसेस यहाँ पर आ जाएगा। आप यहाँ से प्रिंट रिसिप्ट पर क्लिक करके रिसिप्ट भी प्रिंट कर सकते हैं। फाइल अनदर फाइल पर जो है फाइल अनदर फाइल पर क्लिक करके आप कोई और IT फाइल कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से आपके सामने आ जाता है। तो मैं आपको बता दूँ कुछ इस तरीके से जो आपने वहाँ पर मोबाइल नंबर ऐड किया था उस मोबाइल नंबर पर कॉल आएगी, बोलो अपने सिस्टम पर चेक करेंगे, आपसे कुछ डिटेल्स पूछेंगे, आपको उनको डिटेल बतानी होगी कि आप कितना मंथली कमाते हैं, कितना क्या कमाते हैं, क्या काम करते हैं, सारा कुछ प्रोसेस उनको बताना होगा। उसके बाद आगे का प्रोसेस आपको वही कॉल जो आपके पास कॉल करेंगे कस्टमर केयर से, वो लोग आपको बता देंगे। तो उम्मीद करूँगा ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करें। अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट में लिखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।